लॉकडाउन के चलते हिमाचल का पर्यटन उद्योग पूरी तरह से प्रभावित हो गया था। सोलन के होटल भी इससे अछूते नहीं थे, क्योंकि सभी होटल बंद कर दिए गए थे। इसलिए एकाएक हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए थे। लेकिन जैसे ही अनलॉक हुआ, पर्यटन उद्योग धीरे धीरे पटरी पर आने लग गया है। धीरे धीरे पर्यटक भी सोलन का रुख करने लगे हैं। बेरोजगार कर्मचारियों को फिर से रोजगार मिलने लगा है। पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यवसायियों को फिर से होटल शुरू करने में कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, जिसका व्यवसाय लाभ भी उठा रहे हैं। व्यवसायियों को कार्यशील पूंजी की कमी ना हो, इसके लिए भी सरकार ने प्रबंध कर दिया है, जिसमें कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस योजना को व्यवसायी बेहद पसंद कर रहे हैं। ये जानकारी जिला पर्यटन विकास अधिकारी रत्ती राम ने मीडिया को दी। जिला पर्यटन विकास अधिकारी रत्ती राम ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन होने से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों की कार्यशील पूंजी खत्म हो चुकी थी, जिसका एहसास सरकार को हुआ और प्रदेश सरकार ने व्यवसायियों को कार्यशील पूंजी 11% ब्याज पर उपलब्ध करवाने की योजना बनाई, जिसमें प्रथम वर्ष आधा ब्याज भी सरकार वहन करने जा रही है। फलस्वरूप व्यवसायी को प्रथम वर्ष महज 5.5% ही ब्याज देना होगा। इस योजना का व्यवसायियों ने लाभ उठाना भी आरंभ कर दिया है। जिला सोलन में 13 व्यवसायियों ने इस योजना के लिए आवेदन किया था, जिसमें से 3 व्यवसायियों को 42 लाख का ऋण भी मिल चुका है। मतलब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करने के लिए सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम चलाई है, जिसका जो हमारे होटलियर्स या जो होटल इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भरपूर लाभ उठा रहे हैं। अभी तक हमारे पास जो है 13 केस हमने जोगिंदर सेंट्रल बैंक और दूसरे जो नेशनलाइज बैंक है उनको स्पॉन्सर किए हैं, जिसमें से अभी 13 में से 3 केस सैंक्शन हो चुके हैं। करीब 42 लाख रुपए जो है सैंक्शन हो गया है होटलियर्स के लिए उपदान के तौर पर, और अभी जो दो केस जो है अभी अंडर प्रोसेस है। इस स्कीम की खास बात भी है कि इसमें गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट पे कर रही है। क्या स्कीम है? इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम पर जो सालाना जो है 11% का इंटरेस्ट है, जिसमें पहले वर्ष का जो 50% इंटरेस्ट है वो सरकार वहन करेगी, और 50% इंटरेस्ट जो होटल प्रमोटर है वो खुद वहन करेगा।